स्वामी नारायण हरे। संवंत 1876 ना माक्षर सुदी 13 ने दिवस श्रीजी महाराज श्री गढ़रा मध्य दादा खाचर ना दरबार मा विराजमान हता। अने सर्वे श्वेत वस्त्र धारण कर्या हता। अने पोताना मुखारविंद नी आगळ परमहंस तथा देश देश ना हरिभक्त नी सभा भराई ने बैठी हती। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे अमे वेंकटाद्री थी सेतु बंद रामेश्वर जता हता त्या एक सेवक राम नामे साधु हतो। ते श्रीमद् भागवतादिक पुराण ने भण्यो हतो। ते मार्ग मा चालता मांदो पड्यो। तेनी पासे रुपया 1000 नी सोना मोरो हती। पण चाकरी नो करनारो कोई नहीं माटे रोवा लाग्यो। पछी तेने अमे कह्युं जे काई चिंता राखशो मा तमारी चाकरी अमे करीशुं। पछी गाम ने बहार एक केळानी फूलवाड़ी हती। तेमा एक वड़नो वृक्ष हतो। ते वड़ना वृक्ष ने विषे 1000 भूत रहता हता। पर ते साधु तो चाली शके एवो रह्यो नहीं अने अतिशय मांदो थयो। ते ऊपर अमने अतिशय दया आवी। पछी ते ठेकाणे अमे ते साधु ने केळना पत्र लावी ने हाथ एक ऊंची पथारी करी आपी। अने ते साधु ने लोही खंड पेट बेसणु हतु। तेने अमे धोता अने चाकरी करता। अने ते साधु पोताने जेटलू जोईए तेटलू अमारी पासे खांड साकर घी अन्न ते पोताना रूपिया आपीने मंगावतो। ते अमो लावीने रांधी खवरावता। अने अमो वस्तीमां जईने जमी आवता। अने कोईक दिवस तो अमने वस्तीमां अन्न मळतुं नहीं त्यारे अमारे उपवास थतो। तो पण कोई दिवस ते साधुए अमने एम कह्युं नहीं जे अम पासे द्रव्य छे ते आपणे बेने गाजे रसोई करो अने तमे पण अम भेळा जमो। पछी एम सेवा करते थके ते साधु बे मासे कंक साजो थयो। पछी सेतुबंद रामेश्वर ने मार्गे चाल्या त्यारे तेनो भार मन एक हतो ते अमारी पासे उपड़ावतो अने पोते तो एक माळा लईने चालतो अने देहे पण साजो अने एक शेर घी जमीने पचावे एवो समर्थ थयो। तो पण भार अमारी पासे उपड़ावे अने पोते अमथो चाले। अने अमारी प्रकृति तो एवी हती जे भार नामे तो एक रुमाल पण राखता नहीं माटे तेने साधु जानीने अमे एनो मन एकनो भार उपाड़ी चालता। एवी रीते ते साधुनी अमे चाकरी करीने साजो कर्यो। पण ते साधुए अमने एक पैसा भार अन्न आप्यु नहीं। पछी अमे तेने कृतज्ञ जानी ने तेना संगनो त्याग कर्यो। एवी रीते जे मनुष्य कर्या कृत ने न जाने तेने कृतज्ञ जानवो अने कोईक मनुष्य काईक पाप कर्यूं अने तेने ते पापनू यथाशास्त्र प्रायश्चित कर्यूं अने वळी तेने ते पापे युक्त कहे तेने पण कृतज्ञ जेवो पापी जानवो। इति वचनामृतम्। एवी रीते गढ़ा प्रथम प्रकरणनु 10मु वचनामृत थयुं।